नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं वाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय आलू मंडी सातनपुर फर्रुखाबाद में। कल वेस्ट बंगाल से हमारे एक दर्शक का कमेंट आया कि इस शब्द को बहुत दिनों से बहुत मिस कर रहा हूं, तो मैंने सोचा आज सामने आ ही जाता हूं, क्योंकि आलू के भाव भी मतलब थोड़े अच्छे नहीं चल रहे, तो इसमें एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए सामने नहीं आया मैं। और आज खास वजह सामने आने की ये थी कि आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे खुला आलू जो है बिक रहा है, क्योंकि अभी तक हुंडा आ रहा था, लेकिन अब हुंडा की बजाय से खुला ज़्यादा आलू आ रहा है। तो जो मैं भाव बताता हूँ, अब ये खुले आलू के ही रेट हैं। खुले और पैकेट में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। पहले जो हुंडा पैकेट आता था तो पैकेट व्यापारी को साथ में मिलता था, मतलब किसान का पैकेट होता था, लेकिन अब जो भाव बता रहा हूँ ये खुले आलू के रेट हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये देखो मेरे पीछे एक आलू ये तुल भी रहा है, ये तो ये ऐसे ही खुला नंगा आलू का रेट होता है, और बाकी पैकेट जो है वो व्यापारी को लगाना पड़ेगा। तो अब जो भाव है, आप अभी तक तो आप जो व्यापारी के लिए भाव होते थे वो इसमें 9.5% खर्चा ऐड करके होते थे, लेकिन अब पैकेट का भी खर्चा इसमें ऐड होगा, क्योंकि पैकेट व्यापारी को ही लगाना पड़ता है। तो जो मैं भाव बताता हूँ वो किसान के ही रेट होते हैं, तो ये खुले आलू के ही रेट हैं जो मैं भाव बताता हूँ। और बाकी आज और मंडियों की जो है अपडेट अभी काफ़ी दिन से नहीं दी, लेकिन आज बाकी मंडियों की अपडेट दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में सभी जगह की अपडेट दे दूंगा आज। और बाकी फर्रुखाबाद की अपडेट आज आगे आप वीडियो में देख पाएंगे कि क्या रेट रहा है आज फर्रुखाबाद मंडी में। हमारे साथ हैं आलू आरती दाताराम जी। आज मंडी क्या सब खुली है भैया? आपने बेचा 541 रुपये आलू, आपका ये अच्छा ही है, ये 500, ये नंबर एक का आलू है, ये 541 बिका, तो बाकी मंडी तो नीचे होगी शायद। मंडी बहुत नीचे है, आलू जो है ज्यादातर 400 रुपये है, उसके बाद में छट्टा जो है 5 रुपया, 5.25 रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा, आमदनी कैसी कल जैसी लग रही है? आमदनी आज कुछ हल्की है कल के अपेक्षा, कल के अपेक्षा हल्की है। तो हो सकता है भाई कल 100-125 मोटर लोग सोच रहे थे, उसी के आसपास में होगी, 100 के आसपास ही होगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही बहुत अंतर होगा, 10-5 मोटर का अंतर लग रहा है कुछ। ये छट्टा है और ये बिका है 541 रुपया। ये देखो छट्टा है और 541 रुपया बिका है, किसान है इसका कोई क्या? कहाँ है? 541 रुपया बिका छट्टा, पीली मिट्टी का एकदम। रहने दे, कोई बात नहीं, 541। और ये ख्याति लग रहा है ना? ख्याति है। विश्राम भैया, विश्राम भैया आपने क्या रेट बेचा है? 525 रुपया। अब ये देखो, ये भी आलू उसी क्वालिटी का है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो सकता है, ये बिका है 525 रुपया कुंतल। ये दोनों ही भाव कुंतल में ही है, खुला आलू कुंतल से ही बिक रहा है, तो 525 रुपया कुंतल बिका है भैया दोनों। ये भी छट्टा ही है। यही रहो, ये हमारे साथ हैं सहयोगी ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर और ले, और क्या मोबाइल नंबर है तुम्हारा? कुछ लोग आरतियों के नंबर पूछ रहे, बता दो तुम आज अपना। 9005953544, धीरे से बोलो जो आदमी समझ ले। 9005953544, ये सहयोगी ट्रेडर्स हैं, आलू आरती हैं, इनका ये मोबाइल नंबर है। आलू क्या रेट बेचे आज आपने? आलू आज बेचा 550 रुपये। 550 रुपये, वो तो हमने देख लिया, आपने क्या रेट बेचा है? 500 रुपये बेचे, उधर आलू पड़ा है। अच्छा, ये ट्राली तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये वाली ये विश्राम सिंह एंड कंपनी के पास है। अच्छा, ये विश्राम सिंह एंड कंपनी पास है। अच्छा, और ये आलू ज्यादा महंगा बेचते हैं? नहीं, महंगा और मतलब नहीं, इनके पास आलू भी अच्छा आता है, हमको ये डांटते बहुत। ये भी को चार, क्यों डांटते हैं? 451 रुपया हम बिको। अच्छा, 451 रुपया हम बिको। जो ये वाला क्या रेट बिका? 451। अच्छा, ये गड्ढा है। ये देखो भैया बिका है 451 रुपये, ये 541 रुपये बिका था, और इसी के बाजू में ये आलू है, ये गड्ढा है और मिट्टी थोड़ी सी वैसी है, इसकी नॉर्मल मिट्टी है, मिट्टी लगी हुई है, 441 रुपये कुंतल बिका है। तुम्हारे वाला क्या रेट बिका है? वो 500 रुपये, ये 500 रुपया बिका किसान है, उससे बात कर लो। अच्छा, इसका किसान है कोई क्या? ये वाला आलू आपका था भैया, ये क्या रेट बिका? 451। कौन सा? ख्याति पुखराज है? ख्याति। आप कहाँ से आते भैया? बनपोई। 451 ना? अच्छा, ये हमें पहले कुछ और रेट बताया था मेरे ख्याल से।
नहीं नहीं नहीं, इससे पहले इसी का रेट बताया ना विश्राम भैया ने बताया, क्या नहीं बताया था, शायद हमारे समझने में फर्क हो गया। अच्छा हमने 41 कह दिया, अच्छा अच्छा वही तो हमने मतलब कुछ डिफरेंस लगा मुझे, क्योंकि हमने आवाज कुछ और सुनी थी, 451 रुपया बिका है, शायद पहले आवाज 441 की आ गई है, हाँ लेकिन ये 451 रुपया कुंतल बिका है भैया, ये बिका है 500 रुपया कुंतल, 501 रुपया कुंतल। किसान आओ जरा, आप कहा भैया कहाँ जाते दादा, शमशाबाद, क्या रेट बिका आलू आपका, 501 रुपया कुंतल बिका है ये आलू, ये भी गड्डी है ना, छट्टा है, अच्छा छट्टा है थोड़ा तो, ख्याति है पुखराज है, पुखराज है, हमारे साथ है आलू आरती मिश्रा जी, आज मंडी क्या दर रही भैया, आज भाई सफेद आलू बिका है, गोंडा बिका है 265 रुपए अपने यहाँ, अच्छा लाल आलू 681 रुपए बिका है, लाल 681 बिका है, अच्छा होंडा तो अब कम आ रहा है बहुत, होंडा कम आ रहा है अब, ज्यादातर सब खुला ही हो गया है, कारण क्या है होंडा ना आने का कि किसान ग्रीडिंग करके नहीं ला रहा है, अच्छा इसलिए होंडा ग्रीडिंग करके नहीं ला रहा है, एक दूसरा रीजन और भी आलू हो गया सस्ता तो वो सोचता 60 रुपए के पैकेट हम क्यों लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जब महंगा आलू होता है तो पैकेट लगाने में दिक्कत नहीं होती है, वो एवरेज एक ही पड़ता है, हाँ। पैकेट ले भैंसा खुला ले लगभग एवरेज एक ही पड़ता है, नहीं पड़ता तो भाई, लेकिन वो सोचता है पैकेट खरीदने जाएं फिर हम मतलब उसमें फिर खर्चा करना अच्छा नहीं लगता उसको, क्यों उसमें पैसा पहले लगता है ना, हाँ तो वो उसको खर्चा करना फिर उसको अच्छा नहीं लगता, महंगा आलू होता तो खर्चा होता तो अच्छा लगता है। और आमदनी कितनी लग रही है आज, आमदनी लगभग 100 मोटर की, 100 मोटर के आसपास अनुमान लगा रहे हैं लोग, 100 के आसपास ज्यादातर लोगों का अनुमान है कि 100 के आसपास ही होगी मंडी आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल से भी 50-70 रुपए के आसपास नीचे ही होगी, नहीं, नहीं आज नीचे नहीं, आज 10-20 रुपए टाइट है, अरे हमें तो टाइट नहीं मिले, कल हमको आलू मिले थे सुपर में, आलू बिके थे 600 वाले, 600 से 651 रुपए तक मिले थे, और आज मुझे आलू मिला है 551 रुपया, 500 से 551 रुपया, सुपर छट्टा जो बिकता है ना अपना, वो 500 से 551 रुपया मिला है, क्वालिटी ऊपर है, क्वालिटी मतलब सबसे कल जो बेस्ट क्वालिटी की कल थे 600 से 651 रुपया, आज वो बेस्ट क्वालिटी है 500 से 551 रुपया, साउथ वाले ही डाउन है, अच्छा बाकी आलू भी ज्यादा, अच्छा बाकी मतलब नॉर्मल आलू भी अंतर नहीं है, अच्छा अच्छा हाँ ये चीज हो सकती है, मतलब साउथ वाले पे मतलब डाउन मामला है, हाँ बाकी तो वही 500-550 के आसपास है ना, वो तो कल भी ऐसे ही थे लगभग, ये वाले आलू क्या था बिके, ये वाला आलू बिका है 561 रुपए, ये देखो ये भैया बिका है 561 रुपए, बड़ा निवल क्वालिटी का आलू है, एकदम निवल क्वालिटी की मान सकते हो आप, 561 रुपए कुंतल बिका है, ये किसान कौन है इसका, किसान है भैया, वो पीछे खड़े किसान इधर आए, इधर दादा आपका आलू है भैया, कौन सा है, कंचन कुफरी, कंचन कुफरी है, बड़ा निवल निकला जबकि इस साल तो आलू अच्छे आ रहे हैं, मतलब कोई बीमारी वारी लगी थी क्या, बेल चली गई, बेल चली गई, जबकि झुलसा उलसा तो इस बार आया नहीं है, फिर भी जिसका लेट गड़ा उसके ऊपर असर है थोड़ा, अच्छा लेट वाले में असर हो गया, लेट नाम मात्र हो गया, अच्छा क्या रेट बिका है, 561 रुपए कुंतल बिका है, ये निबल क्वालिटी का आलू है एकदम लाल वाला, और कौन सा बताया आपने, कंचन कुफरी, कंचन कुफरी है, और ये वाला आलू क्या रेट बिका, लाल ये 681 रुपए, ये बिका है 681 रुपए कुंतल, ये बढ़िया आलू है एकदम बढ़िया लग रहा है, इसके किसान कौन है, इसके किसान ये है, ये आपका भी है, कौन सा है, कंचन कुफरी है ये भी, और वो भी कंचन कुफरी का, अच्छा ये भी, और इसमें इसमें क्वालिटी में बहुत डिफरेंस हो गया, बहुत डिफरेंस, उसकी बेल जाने की वजह से हो गया है, ये 12 अक्टूबर को लगा था, वो 13 अक्टूबर को लगाया, तो मतलब गढ़ाने में तो एक ही दिन का डिफरेंस है, गाँव के एक ही परिवार के, अच्छा तो उसका कोई मतलब वो बिगड़ गया कुछ, खेत लूज था वो ना, अच्छा 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 थोड़ा खेत लूज था, क्या रेट बिका ये, 681 बिका ना, अपने आप खुला व्यापार होता है ना हमारे, वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है, हमारे किसान की 681 रुपया कुंतल बिका है ये लाल आलू, और हाईलैंड मुझे मिला नहीं अभी, हाईलैंड कहीं मिला गया तो दिखाऊंगा, और ये कंचन मिला है। हमारे साथ हैं आलू आरती अशोक जी, आज मंडी क्या जा रही है भैया,
ये आलू निवल वाले 400 रुपया और थोड़े ऊपर वाले 421-31। अच्छा, बहुत सुपर आलू जो है वो 450 रुपए मिले गट में। अच्छा, और नंबर एक सुपर क्वालिटी वो बिकी है पीली मिट्टी के, बिल्कुल सफेद धुआ हुआ आलू, 525 रुपया। और छट्टा 450 से लेके 550। अच्छा, आज मंडी मुझे कल से भी भीतर दिख रही है फिर। हाँ, कल से भीतर है 60-70 रुपए, क्योंकि कल छट्टा आपके बिके थे 600 रुपए के ऊपर। कल 600 रुपए के ऊपर बिके थे, लेकिन हाँ, आज 70 रुपए 75 रुपए 80 रुपए नीचे। कल भाई 625 एक आदमी ने, किसी ने 650 भी बेचा था, 625-625 ऐसे करके बिके थे, लेकिन आज नहीं, आज नहीं मिले मुझे। अच्छे भी आलू गड्ढ बिके थे 531 रुपए। हाँ हाँ, गड्ढ तो ऐसे बिके थे, गड्ढ तो 500 रुपए के आस पास भी थे, लेकिन आज वो गड्ढ जो कल 531 बिक रहे थे वो आज 431 बिक रहे हैं। अच्छा, आमदनी कितनी है आज? आमदनी कल से कम है, आज कल से कम है, कल से कम है। मतलब सब मोटर भीतर होगी क्या? सब मोटर तो है, कल ज्यादा थी। अच्छा, दस पाँच मोटर का डिफरेंस है, मतलब 100 के आसपास होगी। ये वाला आलू क्या रेट में? 401 रुपया। ये देखो भैया, गड्ढी है और मिट्टी पकड़े हुए आलू है एकदम, 401 रुपया कुंतल बिका है। ये किसान कौन है इसके? किसान ये है आपका है दादा? जी हाँ, हमारा। कहाँ से आते भैया? हम पिपर गाँव से आते हैं। पिपर गाँव, क्या रेट बिका आलू आपका? 401। 401 रुपया कुंतल। कौन सा ख्याति है? पुखराज है ये? पुखराज है पुखराज है भैया, 401 रुपया कुंतल बिका है। और वो भरा जा रहा पीछे, वो क्या रेट बिका है? वो 431 रुपया। अच्छा, इसका साइज तो छोटा लग रहा है मुझे, ये 431 रुपया बिका है। साहब, मिट्टी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें मिट्टी पकड़े है और इसमें मिट्टी पकड़े नहीं? हाँ, वो इधर भर गया ना, बीच में आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये बिका है 431 रुपया कुंतल। और इसके किसान कौन है? इसके किसान ये है दादा। ये वाला आलू आपका है? हमारा। क्या रेट बिका है? 431 बिका है। 431 रुपया कुंतल। पुखराज है? ख्याति है? पुखराज है। पुखराज है ये भैया, पुखराज है, 431 रुपया कुंतल बिका है। ये आलू का किसान है कोई क्या? किसान है ये, किसान ये है। इस आलू का किसान कौन? ये का यार, आओ आओ आओ, आइए यार। अरे बनी रहें दो साल तुम। क्या 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 रेट बिका भैया आलू? 525 रुपए। 525 रुपए। कौन सा आलू है? ये ख्याति है। ख्याति है आलू, बहुत साफ सुथरा है आपका एकदम। मंडी पूरी मंडी, लेकिन गड्ढ करके लाए तुम, गड्ढ है ये, आपने गलती कर दी। अगर ये छट्टा लाए होते ना तो मंडी में सबसे ऊपर बिकता आलू। ये भी पूरी मंडी व्यापारी झूम गए, नहीं छट्टा छट्टा और गड्ढ में कम से कम 100 रुपए का डिफरेंस है, वो तो अंतर है, लेकिन फिर भी पूरी मंडी व्यापारी इस पे आ चुके हैं। अच्छा, वो हमने ही देखा तो हमको मतलब लगा कि आलू यार दूर से चमक रहा है। 525। ये देखो, नहीं आई रहने दो, ये देखो आलू भैया, कौन सा ख्याति है? पुखराज ख्याति लग रहा है, ख्याति है और एकदम पीली मिट्टी का आलू है, लेकिन इसमें लाइट ना होने की वजह से जो है पीली उतने दिख रहे, एकदम आलू पीला दिख रहा है। अब 525 रुपया कुंतल बिका है, लेकिन गड्ढ है ये छोटे आलू भी है इसमें, छट्टा होता तो इसका रेट कुछ और हो सकता था, लेकिन ये गड्ढे की वजह से इसका रेट जो है 525 रुपया कुंतल है। हमारे साथ हैं आलू आरती, ये राइट में ओमकार जी। आज मंडी क्या दाम रही भैया? ओमकार राजपूत, मंडी क्या दाम रही है आज? मंडी रही 400 रुपया लेके 525 रुपया। 400 से लेके सवा पाँच सौ, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक के भाव है ये? हाँ जी है। आज 525 के ऊपर नहीं बिका है? ऊपर हमारी नजर में तो ना बिको भाई। हाँ, इक्का दुक्का कोई बिके भी, इतनी बड़ी मंडी है, इक्का दुक्का बिके भी होंगे, लेकिन मतलब कल जैसे छट्टा जो सुपर वाले भी बिक गए थे 600-650 के आस पास बिक गए थे, 550-550 बिके, वो आज 550-550 ही बिके। मतलब कल से मंडी डाउन है कल से भी। आमदनी कितनी लग रही है आज? आमदनी हो 150 मोटर। 150 मोटर, 100 मोटर के आसपास होगी, कल भी नहीं थी इतनी, तो कल से कुछ कम ही बता रहे हैं आज, आप ज्यादा बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कल से थोड़ी बहुत कम है। हाँ, जो भी है, एक अनुमान है ये तो।
आलू बड़ा अच्छा था ये आपका, ये मैंने देखा, ये आलू बड़ा बढ़िया है, देखो इधर से अभी दिख रहा है पीली मिट्टी का। 525 रुपया बिका है ये, बहुत सुंदर आलू है ये, गड्ढ है ये, छट्टा होता तो रेट इनको अच्छा मिल सकता था इसका। हमारे साथ है आलू आरती नंदू जी, आज मंडी क्या साफ रही है भैया? मंडी भैया 3.5 रुपया से लेके और आलू बिच रहे हैं 5.25 रुपया। अच्छा आप क्वालिटी नहीं है आलू? नहीं वो तो क्वालिटी के हिसाब से तो बिकेंगे, लेकिन लोगों ने बताए थे भाव मतलब नीचे में 400 रुपए के आसपास, 400 आप 400 के भीतर चले गए तो 400 के भीतर सामने पड़े हुए हैं। अच्छा नहीं तो तभी तो बता रहे की लोगों ने 400 के आसपास भाव बताए थे कि नीचे में 400 के आसपास भाव है। अच्छा गौरव ने लिया है क्या? गौरव इधर आओ। ये भैया ये खरीदार हैं गौरव जी, क्या हिसाब लिया है आलू आपने? ये बताओ यार 451 भाई 351 बताओ, बिल बना देना इनका, बिल 451 बना देना, 351 नहीं तो 451 का बिल बन जाएगा। बिल बनाओ रे बाबू बता दो। ये देखो बिका है भैया 351 रुपया, एकदम मिट्टी वाला आलू है, काली मिट्टी का आलू है, मिट्टी पकड़े हुए भी है, और इसलिए ये 351 रुपया कुंतल बिका है। किसान कौन है इसका? किसान राम राम। किसान दादा आप आपका है कहाँ जाते भैया? मंगतपुर के नीचे पड़ता है क्या? जिला एटा में। जिला एटा में? अच्छा तो बहुत दूर से लाए आलू आप लोगों का? आलू आता है फरुखाबाद मंडी। अच्छा मतलब एटा के कम ही लोग मिलते हैं, कुछ लोग सराय के आगे का जो एरिया पड़ता है, अच्छा तो वो लोग एटा के, एटा जिला पड़ जाता है तो वो लोग कभी कभी मिलते हैं। क्या है बिका आलू आपका? 351 रुपया। आपके उधर आलू की खुदाई कैसी हुई है अभी तक? खुदाई सही चल रही है। चल रही है कम भी ज्यादा नहीं, अभी तक कितनी हुई होगी खुदाई मतलब त्याई चौथाई कुछ हुई है? 50% हुई है। 50% कहाँ हुई होगी अभी? आलू कम होता है ना, 50 हुई है तो सही है, कोल्ड फ्रास्ट मतलब 25% भी हो गई होगी, 25% के आसपास हो गई होगी लगभग। हाँ 25 से कमी होगी क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे बता रहे थे कि अभी थोड़े दिन पहले हमने पिछले हफ्ते जब पूछा था तो बता रहे थे कि 10-15% बता रहे थे, तो थोड़ी सी बढ़ गई होगी तब से एक हफ्ते में।